वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट क्लास। माय नेम सादिक खान, आपका स्वागत है परफेक्ट क्लास में। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 10वीं की। जो कि इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें हमने चैप्टर 2 अध्याय 2 के सही विकल्प कंप्लीट करे थे। अब उसके रिक्त स्थान आज कंप्लीट करेंगे, तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। जी, ये हमारा चैप्टर सेकेंड, जिसके हमने इससे पहले वाली वीडियो में इसके फर्स्ट से 8 तक के सही विकल्प कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, अब इस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है, रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक डैश है, तो इसका आंसर होगा माइनस बी अपॉन में ए। अगर ax प्लस बी का शून्यक अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो उसकी जो वैल्यूज आएगी माइनस बी अपॉन में ए आएगा। सेकेंड है, दूसरा, दो बहुपदों का गुणनफल एक डैश होता है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर बता दें सी अपॉन ए। थर्ड है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग है, तो आप इसको सॉल्व करने से पहले वाली वीडियो में हम बता चुके कैसे सॉल्व करना है, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो इसके डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर आएगा माइनस 4 आएगा, तीसरे का आंसर माइनस 4 है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, वो भी इसी से रिलेटेड है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल डैश है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। गुणनफल मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और योग को उसका अल्फ़ा प्लस बीटा, तो गुणनफल की बात करें अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अगर सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 8। उसके बाद क्वेश्चन 5, यदि बहुपद ब्रैकेट के माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 हो, तब के का मान डैश होगा, तो इसको सॉल्व करके हम स्क्रीन पर चलते हमारे बोर्ड वाइट बोर्ड पर इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं, और इसका आंसर हम यहाँ पर शो करेंगे। हाँ, तो प्रश्न इस प्रकार है, यदि बहुपद ब्रैकेट के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 हो, तब के का मान होगा, तो यहाँ पर हमें फिल करना है इस के का मान को, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यूज दी है, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन है, ये समीकरण दिया है, और जो यहाँ क्या है, शून्यक माइनस 3 है, मतलब x बराबर माइनस 3 आ रहा है, जो उसका पहला शून्यक है वो माइनस 3 के रूप में आएगा, तो x की वैल्यू माइनस 3 रख के हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जहाँ x से है वहाँ माइनस 3 रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। k माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स क्या आ जाएगा माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के एक्स, तो के मल्टीप्लाई माइनस 3, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस 1, ये हमने वैल्यू को उसमें पुट कर दिया। अब यहाँ इसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के माइनस 1 9 प्लस, अब यहाँ प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो के का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के प्लस 1, अब इस 9 का मल्टीप्लाई कैसे भी होगा और 1 से भी, तो 9 के माइनस 9 और माइनस 3 के प्लस 1। अब हमें अगर इसकी वैल्यूज फाइंड करना थी के की, तो सब जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 के रूप में हम इसे शो कर देंगे, ताकि जब वैल्यूज आगे पहुँचाएंगे तो सिर्फ k की वैल्यू बचे, k बचे, बाकी सारी वैल्यूज LHS से RHS में चले जाए, तो 9k और माइनस 3k, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6k बचेगा, माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, इक्वल 0, तो 6k इक्वल 8, इस 8 को LHS से RHS में पहुंचाएंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा, 6 को इस 6 को आगे लाएंगे, 6 मल्टीप्लाई में आगे आके डिवाइड में आ जाएगा,
तो जो k की वैल्यू आ रही है वो 8 और 6 आ रही है, जो कि सॉल्व हो जाएगा 2 के टेबल से, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो k का मान आ गया 4/3, इसका k का मान आ गया 4/3, तो इसका जो आंसर है वो 4/3 होगा।